मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस में शामिल हो गई है निशा बांगरे, कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है। आमला सीट पर दावा कर रही हैं, आमला से कांग्रेस प्रत्याशी बदल सकती है, लेकिन बड़ी बात यह कि अब कमलनाथ की मौजूदगी में वो शामिल हो गई है कांग्रेस में। आस लगाए बैठी थी निशा बांगरे लंबे समय से, और हालांकि उनकी उम्मीद पर कांग्रेस खरी उतरी है, और ऐसे में कांग्रेस से उम्मीद बहुत ज्यादा कर रही थी निशा बांगरे की कांग्रेस जरूर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएगी और पार्टी में शामिल करेगी और आमला के लिए भी सोचेगी। तो इसी तरह सब कुछ हुआ, और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हालांकि पहले ही कह दिया था कि निशा बांगरे को बहुत बधाई क्योंकि निशा बांगरे को सदस्यता दिलाई जाएगी कांग्रेस पार्टी की, हालांकि अब वो शामिल हो गई हैं। माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ ने, जो हमारे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से कमलनाथ जी ने मेरी इस लड़ाई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। हमने वहां से भी अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ आप देख रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने जो मेरा आमला की टिकट होल्ड किया सिर्फ इस इंतजार में कि मेरा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो मंजूर करेगी, लेकिन उनका षड्यंत्र देखिए, उन्होंने उस दिन मेरे इस्तीफे को मंजूर किया जब कांग्रेस ने उस पार्टी के पे प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो इस तरह का षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे साथ किया है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये मध्य प्रदेश की तमाम महिला के साथ है। तो इसीलिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और अब हम अपने अधिकारों की लड़ाई, बहुत कलाकार हैं, पर इनको बेरोजगार नौजवान नहीं दिखता, इनकी आंख नहीं चलती, इनको किसान की आवाज नहीं सुनते, इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। निशा बांगड़े जी, आप चिंता मत करिएगा, हम आपसे प्रदेश की सेवा कराएंगे।